गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज कार्बोनिल कंपाउंड के इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में नॉमनक्लेचर को आपने डिटेल में समझा और मैं समझती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा और निश्चित रूप से आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एल्डिहाइड के जो भी बनाने के मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे और समराइज करेंगे। ये यहाँ मैंने कुछ रेफरेंस बुक्स डाली है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आगे कोई और जैम की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी करेंगे आगे या नेट स्लेट की तैयारी करें, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये कुछ बुक्स हैं जो अगर वो और स्टडी करना चाहें तो वो इसके ऊपर कर सकते हैं। और मॉरिसन वाइट तो बहुत ही बीएससी लेवल की बुक है। ये मॉरिसन बॉयड जो है बीएससी लेवल की, ये बुक तो जरूर सभी बच्चों को पढ़नी चाहिए। और बाकी बुक तो अगर आप कुछ स्पेशल आपको तैयारी करनी है तो ही आप देख सकते हैं, वरना एग्जाम की दृष्टि से तो इतनी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन मॉरिसन बॉयड मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगी। तो आइए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहला रिएक्शन है, जैसे इसका नाम नेम रिएक्शन है, दिस इज रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड अपचयन, जिसमें एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा उबलती हुई जाइलीन में लेड और बैरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और बैरियम सल्फेट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो एसाइल क्लोराइड्स हैं, जब उनका मैंने बताया हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, तो बैरियम सल्फेट अगर हम नहीं डालेंगे तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये फर्दर अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं सॉरी रिड्यूस हो जाएंगे अल्कोहल में, अदरवाइज इनका फिर रिडक्शन हो जाएगा और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इसलिए हम बैरियम सल्फेट यहां पर डालते हैं जिससे कि एल्डिहाइड्स का फर्दर अल्कोहल में अपचयन ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ एसिटाइल क्लोराइड है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अपचयन हो गया है और ये एल्डिहाइड हमको प्राप्त हो गया है। और ये आप देख रहे हैं इसी तरह से एरोमेटिक अगर हमारे पास क्लोराइड है, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड है, तो उसका भी रोजेनमुंड अभिक्रिया होगी और इस तरह से बेंजाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम क्या बताया था मैंने, आईयूपीएसी नाम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि बेंजीन और ये कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट है बाय लिथियम, अब ये भी अपचयनिंग है एसिड। अभी हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो एसिड क्लोराइड के अपचयन से ही पढ़ रहे हैं, वहां हमने अपचयन किया था लेड और बैरियम सल्फेट की प्रेजेंस में और यहाँ हम अपचयन कर रहे हैं लिथियम, एल्युमिनियम लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर हम टर्शरी ब्यूटोक्साइड हाइड्राइड लेते हैं और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लिथियम LiAlH4 होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है LiAh4, इसको जो कि एक अपचयन का अपचायक के रूप में काम में आता है, जहां भी हम इसको यूज करेंगे उस अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया होगी, यानी कि हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, इसके द्वारा हाइड्रोजन प्रोवाइड होता है। तो यहाँ हम टर्शरी ब्यूटोक्साइड वाला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, यहाँ पर एक ही हाइड्राइड है। तो जब इसकी अभिक्रिया एसिड क्लोराइड की, एसिटाइल क्लोराइड की कराते हैं तो इस तरह से एल्डिहाइड प्राप्त होता है
CH बॉन्ड बन जाता है और CCl बॉन्ड टूट जाता है। ये देखिए इस तरह से, अगर आपका ये बेंजोइल क्लोराइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है, टर्शियरी बुटॉक्साइड, तो इस तरह से बेंजाल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ही तरह का हैलाइड हम एसिटाइल या बेंजोइल क्लोराइड के अपचयन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। जिन बच्चों आप समझ लीजिए, मेन आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो जैसे कि जो हाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, तो हाइड्राइड पे कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव। तो ये जो हाइड्राइड आयन है, ये CO जो एसिड क्लोराइड है उसके कार्बोनल समूह के कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक, ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये इस तरह से टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष फलकीय मध्यवर्ती बन जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। और अब वन टू एलिमिनेशन होगा, लिथियम निकल जाएगा और यहाँ से क्लोराइड निकल जाएगा और ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ये वापस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे, जिससे कि बॉन्ड पूरा हो जाएगा और क्लोराइड निकल गया और इस तरह से एल्डिहाइड या कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपको नहीं याद करना है तो आप इसे एस्केप भी कर सकते हैं। और अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम 1,3 डाइथाइन। डाइथाइन ये होता है, डाइथाइन 6-membered रिंग होती है, दो सल्फर होते हैं और एक होता है यहाँ पर, ये सल्फर के पास वाला CH2 बहुत एसिडिक हो जाता है। तो ये वीक हालांकि एसिडिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, और इनको हम एल्काइलेशन से रिमूव कर सकते हैं, हाइड्रोजन का एल्काइलेशन कराएंगे और फिर इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। तो जो 1,3 डाइथाइन है उससे हम एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो हम ब्यूटिल लिथियम लेते हैं और ये वीक है, देखिए पीके का मान 32 है, तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, एसिडिक करेक्टर नहीं है। तो जब हम ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोटोन निकल जाता है, क्योंकि ये बेस है और ये प्रोटोन निकल जाएगा और ये एनायन बन गया, ये देख रहे हैं आप, एक प्रोटोन बाहर निकल गया है और एनायन बन गया और ये बन जाता है लिथियम हाइड्राइड। और अब हम जब एनायन बन जाता है हमारे पास डाइथाइन एनायन, अब इसके ऊपर जो भी हमें कीटोन या एल्डिहाइड बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम आर का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड लेते हैं। तो एल्किल समूह हमें कौन सा लेना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें एल्डिहाइड में कौन सा एल्किल समूह चाहिए। तो अगर आप CH3X ले रहे हैं तो यहाँ पर CH3 आएगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, तो ये हमने R लिया और ये पोलर बॉन्ड है R पॉजिटिव, तो ये इस नेगेटिव एनायन के ऊपर अटैक कर लेगा और ये आप देख रहे हैं इस तरह से थायो एसिटाइल बन जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं मर्करी क्लोराइड की प्रेजेंस में और इस प्रकार से ये बॉन्ड दोनों टूट जाते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, तो इस तरह से एल्डिहाइड मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो कैसे बना, मतलब हमारा प्रोडक्ट, तो जो भी आप मैंने बताया आपको, आप एल्किल हैलाइड लेंगे उसका तो आपने R लगा देना है और बाकी HCHO ये आपका यहाँ से डाइथाइन से आ जाएगा, ये H, ये C और ये दो O।
अब है ये एक इम्पॉर्टेंट नाइट्राइल से यानी कि RCN से जो नाइट्राइल्स होते हैं साइनोएल्केन्स यानी कि, तो इस मेथड का नाम है स्टीफन मेथड। तो इनको अगर हम HCl और SN टिन क्लोराइड का यूज करते हैं, ये अपचयन के द्वारा ही हम बनाते हैं, ये भी अपचयन मेथड है, तो इसको यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टीफन मेथड। तो इन दोनों की अभिक्रिया से टिन टेट्राक्लोराइड बन जाता है और ये हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है, और नॉट हाइड्रोजन मतलब नवजात हाइड्रोजन हम इसे कहेंगे, और ये फिर साइनो जो एल्केन है उस पर इसकी अभिक्रिया होती है और इस तरह से एल्डिमीन बन जाता है, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, इस तरह से बन गया एल्डिमीन, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो उन जगह HH जुड़ जाता है और HCl, तो इस तरह से एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड यौगिक बन जाता है। और इसको फिर जब हम जल अपघटन करते हैं तो इस तरह से ये NH4Cl निकल जाएगा और ये हो जाएगा O यानी कि एल्डिहाइड। नेक्स्ट है रिडक्शन बाय डिबाल। डिबाल जो है डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है इसका फुल फॉर्म, डाई आइसोब्यूटिल, डी इज डाई, आई इज आइसोब्यूटिल, ए इज फॉर एल्युमिनियम, एल इज लिथियम और एच इज हाइड्राइड। अभी आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ा था और ये है डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसके साथ अगर हम वही साइनोनाइट्राइल्स इनकी और नाइट्राइल्स की अभिक्रिया कराते हैं तो उनका अपचयन एल्डिहाइड में हो जाता है, और एस्टर भी अगर हम एस्टर लेते हैं और उनकी अभिक्रिया भी अगर डिबाल से कराते हैं तो एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाते हैं। ये जो OCH3 ग्रुप है एस्टर का, इसकी जगह क्या आ गया हाइड्राइड से H, ये होता है आप देख रहे हैं H, तो ये H यहां पर रिप्लेस हो गया OCH3 के द्वारा। नेक्स्ट है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका हम कैल्शियम लवण लेते हैं, अगर हमने कैल्शियम फॉर्मेट लिया है उसको सिर्फ हम हीट करते हैं, सिर्फ ड्राई डिस्टिलेशन करना है, कुछ नहीं डालना है आपने, तो कैल्शियम कार्बोनेट और ये हमारा मेन जो प्रोडक्ट है फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर हमने कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसिटेट, ये दो लवण का अगर हम मिक्सचर लेंगे और ड्राई इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड हमको प्राप्त होगा। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं जो थोड़ी अलग हैं, दैट इज इटार्ड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। तो जो एरोमेटिक एल्कल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन है लाइक टॉलीन, तो इनको हम क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज जाते हैं, ये तो पहले ये क्रोमिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसका जल अपघटन होकर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो सिंपल सा रिएक्शन है कि टॉलीन को जब क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो ये बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कुछ और रिएक्शन है, इसका नाम है सॉमलेट रिएक्शन। बेंजील क्लोराइड है ये, इट इज नॉट एरोमेटिक हैलाइड, इट इज एलिफेटिक हैलाइड, क्योंकि हैलोजन जो है sp3 कार्बन से लगा है, तो ये बेंजील हैलाइड है। और इसका जब हम यूरोट्रोपिन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह से ये एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाता है। एक दो रिएक्शन ये और है, गार्टरमैन सिंथेसिस, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के मेथड है, ये जो भी हम मेथड पढ़ रहे हैं। तो अगर हम HCN यूज करते हैं और HCl लुईस एसिड के साथ, इस रिएक्शन को हम कहते हैं गार्टरमैन सिंथेसिस। तो HCl और HCN की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में यूज करते हैं तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो है
फिनॉल पर अभिक्रिया होती है और इस तरह से हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस तरह से हमें हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और अगर हम HCl को यूज करें, यहाँ पर हमने HCl लिया है, तो गाटरमान सिंथेसिस कहलाती है रिएक्शन। और अगर हम HCN की जगह यहाँ पर CuCl ले लें तो रिएक्शन का नाम बदल जाता है गाटरमान पोच रिएक्शन। ये देखिए आप, यहाँ हमने HCN की जगह CuCl ले लिया है, तो ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन गया और इसका नाम हो जाता है गाटरमान पोच रिएक्शन। एल्काइन से भी हम एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन से। ये एसिटिलीन है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड एच, क्योंकि कार्बन की वजह से चार होती है, एच हमें नहीं दिखाते हैं जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक के साथ इसका जल अवघटन करने पर इस तरह से एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। ये देखिए आप, ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो इस तरह से ये बन गया यहाँ पर कीटोन। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ये सिंथेसिस थे एल्डिहाइड्स बनाने के, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक। अब हम शॉर्ट में इन्हें समराइज करेंगे, जो पूरा हमने आज हमने पढ़ा है इसको थोड़ा शॉर्ट में समराइज करने की मैंने कोशिश की है कि एसिटाइल क्लोराइड से हम बना रहे हैं रोजरमुंड अभिक्रिया, अपचयन कर रहे हैं, एल्डिहाइड आपको मिला। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड ले रहे हैं हाइड्राइड, तो भी हमें एल्डिहाइड मिल रहा है 1,3-diethyne से। जो H है वो एनायन बनाएगा और उसका अल्काइलेशन हो जाएगा और फिर जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। थर्ड मेथड आपको बताया था नाइट्राइल से, यानी कि साइनो एल्केन से, या तो साइनो एल्केन का हम अपचेन करेंगे टिन क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में, या डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम लिथियम हाइड्राइड के द्वारा। देखिए एक और चीज होती है कि हम किस तरह से रिएक्शन को याद रखें। अब ये CH3CN, इससे हमें क्या बनाना है CO CN को हमें CHO में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम CH चाहिए हमको, तो अपचेन करेंगे, हमें इसको अपचेन करना पड़ेगा। तो अपचेन अगर टिन क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में किया तो स्टीफन रिएक्शन हो गया, और अगर हमने डिबाइल एच लिया तो ये रिडक्शन हो गया। तो दोनों ही केस में रिडक्शन होकर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ फॉर्मेट लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट तो ये फॉर्मल्डिहाइड, और अगर हम कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तो एसिटाल्डिहाइड। और ऑक्सीडेशन से भी हम बनाते हैं अल्कोहल का, अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप मैकेनिज्म भी ना करें तो कम से कम रिएक्शन को याद रखें। सिर्फ चार आपको याद रखने, चार पांच, एसिटाइल क्लोराइड, डाइथाइन्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, नाइट्राइल्स से दो मेथड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं, अगर हम एग्जाम की बात करें, सेमेस्टर एग्जाम की बात करें, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो आज के लिए इतना ही, और आप जब मेरी नेक्स्ट क्लास में अटेंड करें तो आप लोग इसे रिवाइज करके आएं।